दोस्तों आज हो रही है दिल्ली में बहुत तेज बारिश, और बारिश के मौसम में कुछ चटपटा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आज मैंने बनाए हैं ये गर्मा गर्म चीज़ बॉल, जो कि फुल्ली लोडेड है विद चीज़। तो ये मैं आज आप लोगों को, मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलो, और ये मैं आपको बता देती हूँ, बनाना बहुत ईजी है। सिर्फ दो चीज़ें आपको इसके लिए लगेंगी, आलू एंड चीज़। तो अगर चीज़ ना भी हो आपके पास तो आप नॉर्मली आलू से भी इसको बना सकते हैं, बट चीज़ के साथ तो ये चीज़ बॉल्स का टेस्ट ही कुछ यम्मी हो जाता है। तो ये आप सामने देख सकते हो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ रखे हैं। ये मैंने 4 से 5 आलूओं को बॉईल कर लिया था, अब मैं उनको मैश कर रही हूँ। सामने ही आप देख सकते हो प्याज मैंने चॉप करके रखे हैं, चीज़ रखी है, कुछ मसाले रखे हैं। मैं धीरे धीरे एक एक करके डालती जाऊँगी, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आलू मेरे मैश हो चुके हैं। अब यहाँ आलूओं में मैं ये जो कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च थी ये मैंने इसमें डाल दी। अब यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने नमक लिया है, मिर्च लिया है, धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। यहाँ पर मैंने ये कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी से टेस्ट इसका और ज़्यादा यम्मी हो जाएगा। यहाँ ऊपर से मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और ये थोड़ा सा ओरिगैनो मेरे पास रखा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। लास्टली इसमें मैं ये जो नींबू है, आधा छोटा नींबू, ये मैं इसमें निचोड़ दूँगी। और अब यहाँ पर मैं हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए अपने साफ साफ हाथों से इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे चीज़ बॉल्स के आलू रेडी हो चुके हैं। अब हमें इन्हें इनकी गोल गोल पिठियाँ बनानी है। गोल गोल मैं इनको कर लूँगी, इनकी पिठियाँ इस तरीके से बनाऊँगी, और इसके बाद इसके अंदर मैं ये जो प्रोसेस चीज़ मैंने ली है इसकी फिलिंग कर दूँगी। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लेना, क्योंकि जब आप इसे तलने लगोगे ना, अगर आपने एक्स्ट्रा चीज़ डाली तो ये फट सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मैंने थोड़ा सा मैदे का घोल बना लिया था, और उसके बाद यहाँ साइड में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो जैसा यहाँ पे मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मैदे के घोल में इसको लपेटा और फिर ऊपर से ब्रेड क्रम्स में इसको रोल रोल कर दिया, और ये मेरी सारे बॉल्स हो गए रेडी। चलो अब यहाँ पर मैंने इसको तलने के लिए निकाल लिया। अब सारी बॉल्स मैं एक एक करके रेडी कर लूँगी यहाँ पर। तो ये बॉल्स तलने के लिए मैंने डाल दी हैं, ये आराम से तल के निकल रही हैं। कुछ एक दो बॉल्स फटी थी, बाकी वो तो मैंने साइड कर दी, और ये आप देख सकते हो ये सारी बॉल्स हैं। तो ये है हमारे चीज़ बॉल्स का फाइनल लुक। तो दोस्तों इस बरसात के मौसम में बनाकर ज़रूर देखें, यकीन मानिए बहुत यम्मी लगेगा, और अगर टेस्टी ना लगे ना तो सारे पैसे वापस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।